क्लियर हो जाए, आज साफ हो जाए। कौन सी मुसलमान की कंट्री में और सच्चा मुसलमान आपको बनना है? पूरे इस्लाम को बर्बाद करके रखा हुआ आप लोगों ने। असहिष्णुता तो इजाज आप फैला रहे हैं और आप इस्लाम के बहुत बड़े जानकार हैं। मुझे ये बताइए कितनी आयतें हैं कुरान में, बताइए मुझे। आप कितनी आयत जानती है? आप मेरे से सवाल ये क्यों कर रही है? आप ये बताइए कि आप क्या जानती है। मुझे ज्ञान मत दीजिए, आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, आप मुझे मत ज्ञान दीजिए, अटकाइए मत। क्या आप बीजेपी के साथ मिलके आप बताइए कौन सी मुसलमान कंट्री में हिंदुओं को अल्लाह अकबर बोलाया जाता है? रूबिका लियाकत के सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा। आज रूबिका लियाकत मेरे सवाल का जवाब देगी, कि कौन सी इस्लामिक कंट्री में मुसलमानों ने हिंदुओं से यह बुलवाया कि अल्लाह अकबर बोलो। ए इधरा, तेरा नाम क्या है बोल? तेरा नाम बोल। बोलना शर्मा। क्या नाम है तेरा? रितलाल शर्मा। कब से काम करता है मेरे पास? दो साल से। कभी तेरे को मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं? मेरे पास कितने हिंदू काम करते हैं? कम से कम आठ दस हिंदू मेरे साथ काम करते हैं। मुझे मत सिखाओ इस्लाम क्या कहता है। अरे बिग बॉस नहीं, आपको बिग बॉस में जाना चाहिए। आप बहुत अच्छे से झूठ बोलती है, अच्छे से बातें घुमाती है, आपको बिग बॉस जाना चाहिए। हाँ हम तो मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमको गर्व है मुसलमान होने पे अल्हम्दुलिल्लाह। आयत बताइए। अरे आप कुरान पढ़िए तर्जुमे के साथ। चलिए आप आयतुल कुर्सी पढ़ के बताइए, फिर मैं पढ़ के बताता हूँ। आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के बताइए। अरे आप छोड़ दीजिए इस्लाम को, आप छोड़ दीजिए रूबिका लियाकत जी। हाँ बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। इसका मीनिंग मालूम है? आमीन। यू की क्वाइट। बहुत बकबक करती है आप हमेशा, आज सुनिए। अरे हम मुसलमान हैं और हमारी कौम पे कोई तकलीफ आती है, हमको दुख होता है। सच ये क्या है कि तबरेज मर गया उसको चोर बोला जा रहा है? सच ये है कि जय श्री राम के नारे लगवा के इतने मुसलमानों को मार दिया जा रहा है? सच ये है कि हमको डराया जा रहा है आरएसएस से, बजरंग दल से? सच ये है? अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे आप छोड़िए, आप मोदी जी की है मुझे पता है, आप टेंशन ना लीजिए। आप कभी मोदी जी से ऐसे सवाल नहीं करती कि ये जो हमारे प्रधानमंत्री का पूरी दुनिया में नाम खराब कर रहे हैं, पूरी दुनिया हम पे हंस रही है, पूरी दुनिया हंस रही है, भारत देश पीछे होता चला जा रहा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, जय श्री राम, ये क्या है? क्यों दिक्कत क्या है? जबरदस्ती बुलवाओगे जय श्री राम? अरे मोहब्बत से मुसलमानों से कुछ भी करवा लो, क्या जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाओगी आप? तुम बोलो जय श्री राम, हम नहीं बोलने वाले हैं। तुम बोलो रूबिका लियाकत जय श्री राम, एजाज खान नहीं बोलेगा जय श्री राम। लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।